हेलो स्टूडेंट्स, आज से हम क्लास ट्वेल्थ फिजिक्स को स्टार्ट करेंगे। जो क्लास ट्वेल्थ की फिजिक्स है वो पूरी की पूरी बेस है इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म पर। अगर मैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म को टू पार्ट्स में डिवाइड करता हूँ, इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म विच इज डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स, एक तो हम इसे डिवाइड करेंगे इलेक्ट्रोस्टैटिक में और दूसरा हम इसे डिवाइड करेंगे इलेक्ट्रो डायनामिक्स में। अब देखते हैं कि इलेक्ट्रोस्टैटिक और इलेक्ट्रोडायनामिक्स क्या है। इलेक्ट्रोस्टैटिक का क्या मतलब है? इलेक्ट्रो का मतलब है चार्ज एंड स्टैटिक का मतलब है एट रेस्ट। यानी कि जब भी हम इलेक्ट्रोस्टैटिक की स्टडी करेंगे तो उसमें जो चार्ज होगा वो रेस्ट पोजीशन पर होगा। इसमें जो हम चार्ज की स्टडी करते हैं वो रेस्ट पोजीशन पर होना चाहिए। इलेक्ट्रोस्टैटिक क्या है? इट इज द ब्रांच ऑफ फिजिक्स इन विच वी हैव डील विथ चार्जेस एंड प्रॉपर्टी एसोसिएटेड विथ चार्जेस। लेकिन कब? जब चार्ज जो होगा वो रेस्ट पोजिशन पर होगा। इलेक्ट्रोस्टैटिक में जब हम कोई भी प्रॉपर्टी को डिस्कस करेंगे तो उसमें जो चार्ज होगा वो रेस्ट पोजिशन पर होगा। और दूसरा इलेक्ट्रोडायनेमिक्स क्या है? कि जब चार्ज होगा मोशन में, चार्ज जब मोशन में होगा तो हम क्या करेंगे कि जो मोशन में है चार्ज उसकी स्टडी करेंगे। इसे बोलते हैं इलेक्ट्रो डायनामिक। अब हम चार्ज के बारे में स्टडी करेंगे। अगर चार्ज होगा रेस्ट पर, एट रेस्ट पर, तो चार्ज अगर रेस्ट पोजीशन पर है तो इट प्रोड्यूस ओनली इलेक्ट्रिक फील्ड। अगर हम चार्ज को स्टडी करते हैं मोशन में, मोशन को भी हम दो अलग अलग कैटेगरी में डिवाइड करते हैं। अगर चार्ज हमारा है यूनिफॉर्म मोशन में, एक्सेलरेशन की बात नहीं कर रहे, यूनिफॉर्म मोशन की बात कर रहे हैं, तो ये प्रोड्यूस करेगा इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड। और अगर चार्ज एक्सेलरेशन में है तो क्या होगा? इलेक्ट्रिक फील्ड भी प्रोड्यूस करेगा एज वेल एज मैग्नेटिक फील्ड एंड ईएम वेव्स को भी प्रोड्यूस करेगा। ये चार्ट है चार्ज का। इससे हम कई तरह के थ्योरेटिकल क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हैं। अब हम देखेंगे कि हम चार्ज को प्रोड्यूस कैसे कर सकते हैं, इस चार्ज को हम प्रोड्यूस कैसे कर सकते हैं। उससे पहले हमें पता है कि हमारे पास एक एटम है। ये जो एटम है ये मैटर से मिलकर बना होता है। इसमें क्या होगा? प्रोटॉन भी होंगे, इलेक्ट्रॉन भी और न्यूट्रॉन भी होंगे। अगर हम इलेक्ट्रॉन की बात करें तो इलेक्ट्रॉन का जो चार्ज होगा वो होगा 1.6 इंटू 10 रेस टू पावर -19 कूलम। लेकिन जो इलेक्ट्रॉन का चार्ज है वो नेगेटिव में होगा। और दूसरा अगर हम बात करते हैं प्रोटोन के चार्ज की तो वो होगा 1.6 इंटू 10 रेस टू पावर -19 कूलम। ये है प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन का चार्ज। अब हम बात करते हैं चार्ज के बारे में। चार्ज क्या है? सबसे पहले हमने चार्ज को प्रोड्यूस करना है। चार्ज को हम प्रोड्यूस कैसे कर सकते हैं? एक एटम है हमारे पास, इस एटम के पास प्रोटॉन भी है और इलेक्ट्रॉन भी। इसके पास नंबर ऑफ प्रोटॉन होंगे और नंबर ऑफ ही इलेक्ट्रॉन होंगे। अगर इस एटम के पास इक्वल नंबर ऑफ प्रोटॉन हुए और इक्वल नंबर ऑफ ही इलेक्ट्रॉन हुए तो इस एटम का जो चार्ज होगा वो जीरो हो जाएगा। वो जीरो कैसे होगा? अब हम इसे एग्जांपल के साथ समझते हैं। आप देखो कि मेरे पास एक सोडियम एटम है जिसका मास है 23 एंड एटॉमिक नंबर है 11। अब हम देखेंगे कि इसमें कितने नंबर ऑफ प्रोटॉन है, कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन और कितने नंबर ऑफ न्यूट्रॉन है। सबसे पहले हम बात करते हैं नंबर ऑफ न्यूट्रॉन की। इसमें जो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन होंगे वो होंगे 11। अब बात करते हैं नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन की। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या होंगे? कि जितने नंबर ऑफ प्रोटॉन होंगे उसके इक्वल ही नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होंगे। यानी कि जो हमारे इलेक्ट्रॉन है वो भी होंगे 11। और नंबर ऑफ न्यूट्रॉन क्या है? कि जब हम
मास में से एटॉमिक नंबर को माइनस कर देंगे, यानी कि 23 माइनस 11 ये आ जाएगा हमारे पास 12। तो इस कंडीशन में हमने क्या देखा कि हमारे पास एटम में क्या है, प्रोटॉन है 11 और इलेक्ट्रॉन भी है 11, न्यूट्रॉन है 12। इस एटम में क्या देखा कि इक्वल नंबर ऑफ प्रोटॉन है और इक्वल नंबर ऑफ ही इलेक्ट्रॉन है। जब ये दोनों इक्वल होंगे तो इसका जो चार्ज होगा वो न्यूट्रल हो जाएगा, यानी कि ये चार्ज हो जाएगा जीरो। लेकिन जो इसका चार्ज है वो जीरो कैसे हो गया? देखो, चार्ज ऑन प्रोटॉन वो है, हमने पीछे देखा था 1.6 × 10⁻¹⁹ कूलम। और अगर चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन की बात करें तो वो होगा −1.6 × 10⁻¹⁹ कूलम। जब हम इन दोनों को मिला देंगे तो क्या होगा कि जो इस एटम सोडियम एटम का जो चार्ज है वो हो जाएगा जीरो। अब हम देखते हैं केमिस्ट्री की बात करते हैं। अब हम अगर केमिस्ट्री में बात करें तो हमारे पास एक कंपाउंड है NaCl। इस कंपाउंड को मैं टू पार्ट्स में डिवाइड कर देता हूं। एक हमारे पास आ जाएगा Na पॉजिटिव और Cl नेगेटिव। ये तो हो गया 11, 23 और ये हमारे पास हो गया 17 और 35। सबसे पहले हम इन आयंस की बात करते हैं। इन्हें हम आयंस क्यों कहते हैं? जब डेफिशिएंसी ऑफ और एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन हो तो ये आयंस बन जाता है। हम बात करते हैं पहले सोडियम एटम की। सोडियम एटम में नंबर ऑफ प्रोटॉन कितने हैं? 11। और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं? जितने नंबर ऑफ प्रोटॉन उतने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। लेकिन इसमें क्या है कि हमारे पास एक पॉजिटिव आयन है। जब आयन पर पॉजिटिव हो, यानी कि एटम पर कोई पॉजिटिव आयन हो, तो उसमें से हम इलेक्ट्रॉन का एक माइनस कर देते हैं, तो ये हमारे पास आ गया 10। और न्यूट्रॉन कितने हैं? 23। और दूसरी ओर हम बात करते हैं क्लोरीन एटम की। क्लोरीन एटम में नंबर ऑफ प्रोटॉन है 17। उससे पहले आप ये देखो कि हमने नंबर ऑफ न्यूट्रॉन नहीं निकाले। नंबर ऑफ न्यूट्रॉन निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा? 23 − 11, तो ये हमारे पास आ गया 12। ये है हमारे नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स। अब बात करते हैं क्लोरीन एटम की। क्लोरीन एटम में क्या है? प्रोटॉन है 17 और इलेक्ट्रॉन कितने होंगे? जब एटम पर नेगेटिव चार्ज हो तो इलेक्ट्रॉन में एक ऐड हो जाता है, यानी कि प्रोटॉन है हमारे पास 17। अगर ये हमारे पास नॉर्मल एटम होता, इस पर कोई भी चार्ज नहीं होता, तो हम जितने नंबर ऑफ प्रोटॉन है उतने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन यहां पर लिख देते। लेकिन इस पर क्या है? नेगेटिव चार्ज है। तो हमने क्या किया, जितने नंबर ऑफ प्रोटॉन है उसमें हमने एक ऐड कर दिया, ये हो गया हमारे पास 18। और नंबर ऑफ हम न्यूट्रॉन की बात करें तो कितने होंगे? 35 − 17, तो ये हमारे पास आ गया, अब ये हमारे पास आ गया 18। अब हम दूसरी कंडीशन भी हम पहले देख लेते हैं कि सोडियम एटम के पास हमारे पास था 11 और 23। जब हमने पहले प्रोटॉन निकाले थे 11 और इलेक्ट्रॉन थे 11, न्यूट्रॉन थे हमारे पास 12। अब हम बात करते हैं चार्ज की। जब हमारे पास प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन दोनों इक्वल थे तो इसके पास जो चार्ज हुआ वो था जीरो। और जब सोडियम आयन की बात करते हैं तो इसके पास क्या चार्ज होगा? इसके पास चार्ज होगा Q1। और क्लोरीन एटम के पास कौन सा चार्ज होगा? इलेक्ट्रॉन कितने हमारे पास? 18। और प्रोटॉन कितने? 17। इसके पास होगा Q−1। अब हम देखते हैं कि पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज किस पर डिपेंड करता है। अब हमें यह तो पता चल गया कि अगर किसी बॉडी का हमने चार्ज निकालना है तो वो चार्ज किस पर डिपेंड करेगा? चार्ज डिपेंड करेगा कि उस एटम की प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन, इन दोनों की वैल्यू सेम नहीं होनी चाहिए। अगर इन दोनों की वैल्यू सेम होगी तो चार्ज जो होगा वो जीरो ही आएगा। अब हम बात करते हैं कि जो चार्ज है वो पॉजिटिव होगा या फिर नेगेटिव होगा, ये डिपेंड किस पर करेगा? अगर हमारे पास प्रोटॉन की वैल्यू ज्यादा होगी, मान लो कि प्रोटॉन की वैल्यू है 18 और इलेक्ट्रॉन की वैल्यू है 17,
जब हम इन दोनों को माइनस करेंगे तो हमारे पास चार्ज आ जाएगा वन। यानी कि कहने का मतलब ये है कि जब प्रोटॉन की वैल्यू ज्यादा होगी और इलेक्ट्रॉन की कम होगी तो चार्ज होगा पॉजिटिव, और दूसरी ओर जब इलेक्ट्रॉन की वैल्यू होगी ज्यादा और प्रोटॉन की वैल्यू होगी कम तो जो चार्ज आएगा वो होगा नेगेटिव। अब हमें यह पता चल गया कि जो चार्ज होता है ये टू टाइप्स के होते हैं, एक होता है पॉजिटिव और एक होता है नेगेटिव चार्ज। अब हम क्या करेंगे, चार्ज की जो बेसिक प्रॉपर्टी है उसको डिस्कस करेंगे। अब हमने देख लिया पहले कि चार्ज था जो ये टू टाइप्स के होते हैं, एक होता है पॉजिटिव चार्ज और एक होता है नेगेटिव चार्ज। इन दो चार्जेस को हमें पता लग गया कि हमारे पास दो चार्जेस होते हैं, एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव। अब हम इस चार्ज की जो बेसिक प्रॉपर्टी है वो डिस्कस करते हैं। चार्ज क्या है, इट इज ए स्केलर क्वांटिटी। स्केलर क्वांटिटी कैसे होती है कि इट हैज मैग्नीट्यूड, जब इसका मैग्नीट्यूड हो लेकिन डायरेक्शन ना हो उसे बोलते हैं हम स्केलर। अगर कोई बॉडी है हमारे पास उसकी डायरेक्शन होती है, उस बॉडी की कोई डायरेक्शन है तो उसे हम बोलते हैं वेक्टर क्वांटिटी। अब हम बात करते हैं क्वांटाइज्ड के बारे में। चार्ज क्वांटाइज्ड है, ये हम कैसे कह सकते हैं। आप एक एग्जांपल देखो कि मैं किसी शॉपकीपर के पास जाता हूं तो मैंने उस शॉपकीपर को बोला कि मेरे को ये एक मार्कर चाहिए या दो चाहिए या तीन चाहिए, उसे मैंने ये नहीं बोला कि मेरे को वन एंड हाफ चाहिए या टू एंड हाफ चाहिए। यानी कि जिसकी कोई फिक्स वैल्यू हो, अगर हम कोई सुटेबल इसकी डेफिनेशन देखें वो क्या होगी कि एनीथिंग विच इज प्रेजेंट या अवेलेबल इन फिक्स्ड अमाउंट इज सेड टू बी क्वांटाइज्ड। यानी कि वो मैटर या वो क्वांटिटी जिसकी हमारे पास कोई फिक्स क्वांटिटी हो उसी को हम बोलते हैं क्वांटाइज्ड। ये क्या होगा जब हम चार्ज की बात करेंगे, Q इज इक्वल टू एम ए, ये है चार्ज। जो चार्ज होता है ये भी क्वांटाइज्ड होता है। Q क्या है, चार्ज है, एन क्या है, इंटीजर, और ई क्या है, ये है हमारा इलेक्ट्रॉन्स। इसका जो मास होगा वो क्या होगा, 1.6 × 10⁻¹⁹ कूलम, ये चार्ज है इसका। अब हम बात पहले की थी प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के बारे में। जो ये प्रोटॉन और न्यूट्रॉन है ये भी किससे बने होते हैं, ये पार्टिकल से बने होते हैं। वो पार्टिकल क्या होते हैं, वो होते हैं क्वार्क्स। वो टू टाइप्स के हो सकते हैं, या हो सकता है अप क्वार्क और एक होगा डाउन क्वार्क। जो अप क्वार्क होगा वो होगा +2/3e और जो डाउन क्वार्क होगा वो होगा -1/3e। अगर मैंने इस प्रोटॉन को निकालना है, इस प्रोटॉन की वैल्यू को हम कैसे निकाल सकेंगे, देखो ये प्रोटॉन की वैल्यू को निकालने के लिए हम क्वार्क्स का यूज करेंगे। इसके लिए क्या करते हैं, UUD, यानी कि अप क्वार्क क्या है, 2/3 +2/3 एंड -1/3, 4/3 -1/3 ये होगा 1e। यानी कि जो प्रोटॉन है इसका जो चार्ज होगा वो होगा 1e, और अगर हम न्यूट्रॉन की बात करें तो वो क्या होगा, UdD। जब इसमें हम क्वार्क्स की वैल्यू पुट करेंगे 2/3 -1/3 ये क्या होगा, 0। यानी कि जो न्यूट्रॉन पर चार्ज होगा वो होगा 0 और प्रोटॉन पर चार्ज होगा 1। कल हम क्या देखेंगे कि हम मल्टीपल, जैसे कि चार्जेस को मल्टीपल तरीके से कैसे प्रोड्यूस कर सकते हैं, और कुछ हम न्यूमेरिकल भी देखेंगे। हमारे जो ये लेक्चर हैं ये पूरे के पूरे बेस होंगे एनसीईआरटी पर।